स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस तैयार करने वाली जनूबी कोरियन कंपनी सैमसंग ने अपने मुतअद्दद पुराने डिवाइसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। जनूबी कोरिया में सैमसंग के तस्दीक शुदा प्लेटफॉर्म पर कंपनी के एक ओहदेदार ने बताया कि आइंदा माह मई तक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को AI टूल्स के फीचर्स फ्राहम कर दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी न सिर्फ रवां बरस बल्कि 2021 में भी मुतारिफ करवाई गई डिवाइसेस में AI टूल्स फीचर देगी। रिपोर्ट में बताया गया कि सैमसंग की जानिब से S21, S22 और S23 समेत इन सीरीज के तमाम फोन्स और लैपटॉप्स और टैबलेट्स में भी AI फीचर्स फ्राहम करेगी। फीचर्स के तहत कंपनी गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पेश की जाने वाली डिवाइसेस में गैलेक्सी AI फीचर्स पेश करेगी, जो कि अब नई डिवाइसेस में मौजूद होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी मुख्तलिफ डिवाइसेस को मुख्तलिफ AI टूल्स फ्राहम करेगी। बास डिवाइसेस को अपडेट और बेहतरीन AI फीचर्स तक रसाई नहीं दी जाएगी और कंपनी मुमकिन तौर पर आइंदा माह तक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए AI टूल्स पेश करेगी।